टीम भी इंडिया गई, चाहे नहीं जीत कर आई, लेकिन वहां के क्रिकेट लवर्स को देखने को मौका मिला ना कि पाकिस्तानी टीम भी इंडिया आई है। अब यहाँ पर जो क्रिकेट लवर्स हैं वो भी चाहते हैं कि इंडियन बेस्ट प्लेयर्स जो फैन है रोहित शर्मा के, जो कि फैन है विराट कोहली के, वो उनको देखना चाहते हैं कि वो यहाँ पर आकर खेलें। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी अगर हमें मिली है 2025 में, मार्च में जाके चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो फिर इंडिया वही रखने अटका रहा है कि नहीं जी हमारे प्लेयर्स नहीं आएंगे, कोई हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो फैसला किया जाएगा कि जब इंडिया के मैचेस होंगे वो किसी और जगह पर होंगे, बाकी मैचेस पाकिस्तान में होंगे। विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट राइट एक्चुअली, क्योंकि जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये नाबालिग पागल बुद्धि लड़की कैसे बिलक रही है भारतीय खिलाड़ी को पाकिस्तान में आने के लिए कि पाकिस्तान में भारतीय खिलाड़ी जाएं और वहां चैंपियन ट्रॉफी खेलें। लेकिन इस ना समझ लड़की को ये पता नहीं है कि इसका देश पाकिस्तान ना जाने कितने आतंकियों को भारत में भेज भेज कर हमारे भारतीय जवानों से मुठभेड़ होकर न जाने कितने भारतीय जवान भी शहीद हो रहे हैं। ये पागल लड़की को ये सब नहीं पता है आखिर भारत पाकिस्तान में कदम क्यों नहीं रखना चाहता है, और हाँ पाकिस्तान के गांड में अगर इतने ही दम है तो सामने से क्यों नहीं लड़ाई कर लेता। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले ही थे कि एक दो राज हम सह लेंगे लेकिन कल सूरज उगने से पहले पाकिस्तान को नक्शे से गायब कर देंगे। इस बारे में दोस्तों आपका क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में, इस वीडियो को लाइक एंड न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर क्रिकेट अपडेट।